हाँ तो बच्चों गुड आफ्टरनून। एक ट्राइंगल दिया है एरिया बी आपको प्रूव करना है। इसमें लिखा क्या है, जो ए डी है क्वेश्चन नंबर टू कल रह गया था, यहाँ पे डी है पॉइंट। सो डी इधर का मिड पॉइंट है और ई फिर इसका मिड पॉइंट है। देखो सबसे पहले कल की तरह करोगे आप, ये सारा एरिया और ये सारा एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये जो ए डी है ये लाइन ये मीडियन है, तो मीडियन डिवाइड से ट्राइंगल इंटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखेंगे, गिवन वगैरह खुद लिखोगे आप, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन देयर फोर एरिया ए डी बी ए बी डी या ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ए डी सी बिकॉज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका ये भी मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ए डी बी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एरिया ए बी सी। अब रखो इसको नंबर वन। अब लेते हैं ये ट्राइंगल, मैं थोड़ा सा इसको शेड चेंज करूं, मैं ब्लू शेड करूंगा, ये ट्राइंगल लूंगा, ये वाला ट्राइंगल। इसमें ये जो बीई है ये बी, ये तो मीडियन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है एडी का। सो ये एई और ये ईडी ये आपस में बराबर है, मैं सिर्फ ब्लू ट्राइंगल की ओर देखने को कहता हूँ। सो फिर ये हिस्सा ट्राइंगल का और ये हिस्सा इस ट्राइंगल का, बड़े ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का, एबीडी का, ये और ये बराबर होगा। इन ट्राइंगल ए बी डी बी इज द मीडियन, क्योंकि लिखा है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो बी मीडियन हुआ, देयर फोर एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया बी ई डी, ये बी ई डी और ये ए बी ई बराबर होगा, रीजन सेम है। वो या रीजन ऑलरेडी गिवन, ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ए बी ई इज इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी डी। ये अगर वन है तो ये टू है, सबस्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट, एरिया ए बी ए डी बी, ये ना ए डी बी, ए बी डी या ए डी बी एक ही बात हुई। तो आप लिखोगे एरिया ए बी ई इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ ए बी डी, इस ए बी डी के बदले लिखोगे ये, क्योंकि ए बी डी इसके बराबर है। सो एरिया ए बी ई, ए बी नहीं बी डी, ए बी, चलो पहले ए बी लिखते हैं फिर बी डी, इज इक्वल टू 1/4 ए बी सी। मगर ये ए बी ई जो है, ए बी ई और बी डी बराबर है ना, सो बी डी भी होगा, देयरफॉर एरिया बी ई डी इज इक्वल 1/4 ए बी सी, ये प्रूव हुआ। दिया है कि एक ए बी एक लाइन है, ए बी सी, ये ए बी सी ट्राइंगल और ये नीचे वाला ए बी डी ट्राइंगल, ये इनकी बेस कॉमन है, यानी ए बी इनका कॉमन है, आपको प्रूव करना है। लेकिन ये जो सी डी है, दिस ए बी बाइसेक्ट सी डी, ए बी सी डी को बाइसेक्ट करती है, मतलब सी डी के दो टुकड़े हो जाते हैं, मतलब सी और ओ डी बराबर है, तो आपको प्रूव करना है ए बी सी। और देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये खुद प्रूव करोगे आप, ये वाला ट्राइंगल इस पहले इन ट्राइंगल ए डी सी मैं ये दो का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये मीडियन हुआ ना बी ओ, बी ओ इसका मीडियन हुआ,
वीओ क्यू मीडियन हुआ, क्योंकि ये जो ओ है ये सीडी का मिड पॉइंट है, सो एरिया वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। फिर यहां से भी ऐसी ये वाले ट्राइंगल की बात अगर करें, ये वाले ट्राइंगल इसमें फिर से ये मीडियन, तो एंगल थ्री और एंगल फोर बराबर, सो वन एंगल वन, ये मैं आप तो नाम लिखोगे ऐसे तो लिखोगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, सॉरी ट्राइंगल एरिया वन इक्वल टू एरिया टू, एरिया थ्री इज इक्वल टू एरिया फोर, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो वन का एरिया प्लस थ्री का एरिया इज इक्वल टू प्लस फोर, वन और थ्री का एरिया, वन और थ्री का एरिया हो गया ये पूरा ट्राइंगल, इज इक्वल थ्री प्लस फोर हो गया ये पूरा। मुझे लगता है ये आपको आना चाहिए, ये ट्राई करो और मुझे सेंड करो, ट्राई सेंड ऑन माय पर्सनल नंबर। देखिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये पहला पहले पार्ट में ये प्रूव करना है पैरेलल है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, वैसे ही ये इसका मिड पॉइंट और डी बी सी का मिड पॉइंट, फिर ये और ये पैरेलल होगी। अब देखो ये और ये पैरेलल और ये और ये पैरेलल तो हो गए ना, ये पैरेललोग्राम, इतना ही तो प्रूव करना था, ये पैरेललोग्राम एक पार्ट हो गया। वैसे ही जब आप ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये और ये ऑलरेडी आपने पैरेलल बताई, तो फिर ये रेड कलर का पैरेललोग्राम बना। वैसा ही अगर मैं ग्रीन कलर लूं तो ये भी तो पैरेललोग्राम है, फिर ये भी एक पैरेललोग्राम है। अच्छा मैं पहले पर्पल कलर वाले की बात करूंगा, ये जो पर्पल कलर है, ये वाला, ये तो पैरेललोग्राम है ना, ये इसका डायगनल है, तो फिर इन दो ट्राइंगलों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि डायगनल डिवाइड करता है एक ट्राइंगल को दो कॉनगन ट्राइंगल्स में, एक पैरेललोग्राम को दो कॉनगन ट्राइंगल्स में, तो जिनका एरिया बराबर होगा वही मैंने लिखा। सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ये एरिया डी एफ इज इक्वल टू एरिया डी बी एफ, ठीक है, ये डी बी एफ और डी ए बराबर होगा। अच्छा वैसे ही इन दो का एरिया भी तो बराबर होगा, सिमिलरली पूरा हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको, कुछ बातें अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ में आया ही होगा कि ये ऐसे है। इसी तरह से मैं यहां पे लिखूंगा दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल बराबर होगा, मैं इस पैरेललोग्राम ग्रीन वाले पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, सिमिलरली एरिया यही डीएफ, ये सेम रखूंगा ये डीएफ, ये वाला नाम जो है ये मैं सेम रखूंगा, इज इक्वल टू एरिया डीसीई, अब इस रेड वाले की बात, ये इसमें फिर से यही एरिया और ये एरिया बराबर होगा, एंड एरिया डी एफ इज इक्वल टू एरिया ए ई एफ। तो इससे क्या पता चला कि ये बीच वाला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा, चौथा, ये सारे ट्राइंगल एरिया में बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ एरिया ए बी सी, क्योंकि ये सारे बराबर हो गए एरिया में, फिर ये इस सारे का चौथा हिस्सा, एक दो तीन और चार, तो वन फोर्थ हुआ ना। अच्छा ये भी तो वन फोर्थ हुआ, ऑल्सो एरिया बी डी एफ इज इक्वल वन फोर्थ ऑफ एरिया ए बी सी। अच्छा इनको ऐड करो, ये वन फोर्थ और वन फोर्थ, तो दोनों को ऐड करने पे, एडिंग ये नंबर टू और नंबर थ्री, इन दो को ऐड करते हैं, एरिया डी एफ प्लस एरिया बी डी एफ इज इक्वल वन बाय फोर टाइम्स दिस प्लस दिस, तो ये वन बाय फोर दो बार ही है, इसको ऐड करोगे तो टू टाइम्स वन बाय फोर एरिया ए बी सी, तो टू टाइम्स, देखो ये भी ए वन बाय फोर है, ये भी वन बाय फोर है, ऐड करोगे तो दो बार ही आएगा। अच्छा ये दो ट्राइंगल जो है,
ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मिला के ये तो पैरेललोग्राम बना। सो कौन सा पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा था? डी डी ई एफ, यही तो है बी डी ई एफ। देयरफॉर एरिया बी डी ई एफ इज इक्वल 1/2 एरिया एबीसी। तो ये चीज आपको प्रूव करना है कि ये पूरा ये जो है ये हाफ है पूरे का, तो ये तीसरा पार्ट था। सो आप स्टेप वाइज देखोगे कौन कौन सा पार्ट प्रूव करना था, वो पहले तो प्रूव में लिखोगे तीनों बातें, मैंने एक ही लिखी है, आप दो और तीसरा ऐड करोगे बुक से देखोगे, और फिर ऐसे प्रूव करके लास्ट वाला पार्ट देखोगे। कहीं पे दिक्कत हो मेरे को कॉल करना या इन्फॉर्म करना कि हमें समझ में नहीं आया, मैं फिर से दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि मैं 6th कल दिखाऊंगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये कल करेंगे, अब टाइम हो गया आज का। ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, इसमें दोनों का एरिया बराबर है, तो आपको बोलना है ये जो डीई है डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये तो थ्योरम की कल, सिर्फ उसमें ये चोटी नहीं दी है, टोपी जो पहनाई है ये नहीं दी। कल आपने थ्योरम की 9.3 शायद, एक ट्राइंगल ये दूसरा ट्राइंगल, ये टू ट्राइंगल आर ऑन सेम बेस एंड हैव इक्वल एरिया, दे लाई बिटवीन द सेम पैरल्स। ये तो कल किया, आप वैसे ही इसको प्रूव करोगे थ्योरम की तरह ही, क्योंकि आप डायरेक्टली थ्योरम इसमें सिर्फ थ्योरम अप्लाई करके आंसर बोलोगे वो तो अजीब सा लगेगा, इसलिए वही थ्योरम आप प्रूव करोगे। उसमें हमने कंस्ट्रक्शन की थी, यहां से और जोड़ डाला था, यहां से और जोड़ डाला था, कल की तरह एकदम वैसी आप देखोगे उस क्वेश्चन को। थ्योरम अभी बता दूं, हाँ 9.3 कल कराई हुई है, उस वीडियो को देखो या जो आपने उतारा है, बिल्कुल वही चीज करना है इसमें। यह था क्वेश्चन नंबर। देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, लिखा है ए लाइन इज ड्रॉन एक्स वाई विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई, देन थ्रू बी डियर इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू बी सी, बी इज पैरेलल टू ए सी। एक ये है, ये बी है पैरेलल, इसको भूल जाते हैं, जैसे ये दुम जैसी है ही नहीं इसकी ये। सो बी ई इज पैरेलल टू इस ए सी के पैरेलल, इसको मैं मार्क करता हूं अलग कलर से सो दैट ये नजर में रहे। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये पूरी मैंने थोड़ा सा ही बता दिया, वैसे ही ये ब्लू लाइन ये और ये पैरेलल। आपको प्रूव करना है ये ए बी ई ट्राइंगल, ए बी ई, देखिए ये रेड लाइन और ये रेड लाइन पैरेलल है, फिर ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन पैरेलल। ये तो क्यों है, ब्लू लाइन के बदले डार्क ब्राउन लाइन करूंगा इसको, ये डार्क ब्राउन लाइन और ये डार्क ब्राउन लाइन पैरेलल। अब इस ट्राइंगल को बड़ी ध्यान से देखोगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के इनकी बेस एक बीसी नहीं है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसलिए आप लिखोगे ट्राइंगल। तो पहले ब्राउन कलर के दो एंगल आपने इक्वल किए बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरल्स ई एफ एंड बी सी, क्योंकि लिखा है ई एफ और बी सी पैरल है, देयरफॉर उनका एरिया बराबर हुआ, ये दो एरिया बराबर हुए बी बी सी और बी सी एफ, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरल्स आर इक्वल इन एरिया। अब मैं लूंगा इसमें ये ब्लू ट्राइंगल, बड़ी ध्यान से देखोगे ये ब्लू ट्राइंगल और ये ग्रीन ट्राइंगल, ये एक ही बेस पे है, ये दोनों की कॉमन बेस है और दो पैरल लाइंस के बीच, बुक में लिखा है ये और ये पैरल, तो इनका एरिया बराबर होगा, यही मैं यूज करूंगा। बिल्कुल वैसे ही ये दो ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, ये फिर से इस बेस पे हैं और दो पैरल लाइंस के बीच में है, इसलिए इनका एरिया बराबर। अब देखो 1 और 2 का एरिया बराबर, 2 मगर 3 के बराबर, 3 मगर 4 के बराबर, तो फिर 1 और 4 भी बराबर हुई ना। मैं लिखूंगा इसको लास्ट लाइन, देखिए पहली इक्वेशन ये है बी सी और बी सी एफ बराबर हो गई ये दो, फिर दूसरी इक्वेशन कह रही है ए बी ई है बराबर सी बी ई के, ये ए बी और सी बी ई बराबर, और ये तीसरी इक्वेशन कह रही है ये और ये बराबर, तो उससे ये दो ट्राइंगल ये और ये बराबर हो गए, तो ये प्रूव हुआ।
आज इतना ही, थैंक यू, कल और मिलते हैं।